पहले ना उसका टेस्टिकल तार से फट गया है, तीन चार दिन से वो मिल नहीं रहा था। आज कॉल आया यहाँ से कि यहाँ पे है तो इसलिए जा रहे लेने। कहाँ गया गौरव भाई? डांट कर मार दी है, 15-20 मिनट बैठने का वेट कर रही है। उसको थोड़ा सा उठाने में तकलीफ जा रही थी क्योंकि लोग भी वहां पर काफी कम थे। फाइनली वो यहाँ पर पीपल फार्म पहुँच चुका है, उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई है। काफ़ी टाइम लगने वाला है रिकवरी को क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और इंजरी भी थोड़ी सी पुरानी थी। हमने टांडा से एक गाय रेस्क्यू की है, इसे वार्ट्स का इशू था। उसको भी बड़ी क्रॉनिकल स्किन डिजीज है, बहुत ज़्यादा हालत खराब है उसकी, कीड़े भी पड़ गए हुए हैं जख्म में। पर अभी वो एक आए थे, कोई फार्मासिस्ट थे, स्प्रे किया ना जब उसके ऊपर शायद लगा होगा तो वो उस तरफ भागा होगा। आइसोलेशन इसलिए जरूरी है इस केस में क्योंकि वॉट्स का जो इशू है वो दूसरे गाय और बैल के इस गाय से टच होने से बहुत आराम से फैल सकता है। गाय के पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ा मैगेट वुंड था जिसमें बहुत ही ज़्यादा मैगेट थे और बहुत ज़्यादा स्मेल भी थी। हमने उसको यहाँ पर शिफ्ट किया है, आइसोलेशन की जगह थोड़ी सी बनाने में आसानी हुई क्योंकि हमारे पीछे वाले काउशेड के पास आइसोलेशन उसके लिए बना दिया है। अभी उसकी ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले उसका जो मैगेट वुंड है उस पर ध्यान दे रहे हैं, हम उसके ठीक होने का इंतज़ार करेंगे, इन्फेक्शन क्लियर हो जाए उसके बाद वार्ड्स का हम ट्रीट करेंगे। आज हमने डोलू, लोटा और भूतनाथ की कैस्ट्रेशन कर दी है, इनके जो घाव थे वो लगभग हील होने वाले हैं और जो बचे हुए दिन हैं उसमें साथ में जो कैस्ट्रेशन का पेन होगा वो भी ठीक किया जा सकता है और फिर हम इनको रिलीज़ कर सकते हैं। हम अभी भोला की भी कैस्ट्रेशन कर रहे हैं क्योंकि जो मेल बफेलोज होते हैं उनके साथ अग्रेशन का बहुत इशू होता है और भोला हमारा अडॉप्टेड बफेलो है तो बाकी जानवरों के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम ना है, इस वजह से हम इसके कैस्ट्रेशन भी आज कर रहे हैं। एक मुझे गुरु बता रहा था, वो रेस्क्यू पे गया था, एक बैल आया जिसके टेस्टिकल्स नहीं है, अप्पू नाम रखा है। टेस्टिकल्स नहीं है, ऐसा कोई बैल नहीं आया, लेकिन ये जो केस आया है इसकी इंजरी थी टेस्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा क्योंकि वायर से कट हुआ है। कट बहुत पतला था लेकिन डीप था और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी, अभी तो कम है, तीन दिन में बहुत पेन था इसको। और अभी आपने काफ़ी सारे बैलों का कास्ट्रेशन भी किया है ना? चार बैल का हमने कैस्ट्रेशन किया लास्ट अभी तीन दिन पहले। और नैनो तो कैस्ट्रेटेड है पर आपकी टीम में देख रहा था नैनो को जकड़े पकड़े पड़ी थी। हमने उसका जो हॉर्न का टिप होता है वो थोड़ा सा कट किया है ताकि अगर किसी को मारता है तो ज़्यादा कुछ डीप ऐसा कुछ ना हो प्रॉब्लम, इस वजह से हमने उसको थोड़ा सा मैनेज किया। तो अभी नैनो जब हमें मारेगा अगर तो हम सिर्फ अस्पताल तक पहुँचेंगे, ऊपर नहीं। नहीं लेकिन बेटर है सर पहले से, अभी वो ओपन ही रहता है। हाँ लेकिन दूसरे गायों को भी कभी कभी जो नई जाती हैं पीछे उनको इंजरी हो ना जाए, लोगों का ज़्यादा खतरा है। हाँ आई नो, इसलिए हम साथ में किसी ना किसी को भेजते हैं जो उस जानता हो उसका बिहेवियर। पूजे पूरी तरह हील हो जाएगा तो आप फिर इसको कैस्ट्रेट करोगे? करना तो चाहिए सर, वो हील हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद हम कुछ दिन रुक के फिर करेंगे, करना तो चाहिए ही, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम। इतने बैल हैं उस रोड पे। एक डोंकी हमने योल से रेस्क्यू किया है, लोगों ने बताया कि उसकी कंडीशन बहुत खराब है, रोड पे लेटा हुआ है। ये आई थिंक लवारिस है, कोई छोड़ गया है। यहाँ पर जब हमने इसे शिफ्ट किया तो डायग्नोसिस में काफी सारी इंजरीज इसकी हमें दिखाई दी। जो पीछे वाला पैर है उसमें फ्रैक्चर है जिसके लिए हमने स्प्लिंटिंग कर दी है उसकी, और जो आगे के पैर है जिसमें वुंड है उसमें हम रेगुलर ड्रेसिंग कर रहे हैं। इसके जो एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक और पेन किलर है वो भी इसे दिए जा रहे हैं और साथ ही में हम इसकी हेल्थ के लिए सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ओल्ड है, बहुत ज्यादा इम्यून भी इसका डाउन है और ये वीक भी बहुत ज्यादा है। तुमने उसका नाम स्पार्कल्स रखा है जिसके वॉर्ट्स हैं। ग्लिटर, ग्लिटर, नाइस नेम। तो इसको आपने पीछे क्यों रखा हुआ है? हमारे पास यहाँ पे आइसोलेट करने की जगह नहीं थी तो हमने पीछे चिकन हाउस के पास आइसोलेशन उसके लिए बनाया क्योंकि जो वॉर्ड्स का इशू है वो टच करने से दूसरी गायों को हो सकता है बहुत इजीली। मुर्गियों को तो नहीं? नहीं नहीं मुर्गियों को नहीं, लेकिन काउ टू काउ हो सकता है ट्रांसमिट। अभी आप लोग उसका सिर्फ वुंड का कर रहे हो ट्रीटमेंट? जी सर, क्योंकि बहुत डीप वुंड था, बहुत ज़्यादा मैगेट्स थे और बहुत इन्फेक्शन था उसमें ऑलरेडी, तो पहले हम वुंड को ठीक कर रहे हैं, अभी काफ़ी बेटर है पहले से। और वॉर्ड्स का हमारा ये प्लान है, इससे पहले भी एक गाय आई थी गोभी, तो इसकी ऑटो इम्यून थेरेपी चलेगी। डॉक्टर हिमांशु होते तो बेहतर समझा पाते, इसका ब्लड लेके वापस इंजेक्ट करते हैं, उससे ये जो है वॉर्ड्स झड़ जाएंगे जो, और जो बड़े बड़े रह जाएंगे उनको फिर एंड में सर्जिकली रिमूव किया जाएगा। अब जो हर एक वुंड होता है, क्योंकि वॉर्ड्स में ब्लड वेसल्स होती हैं, एक साइट ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है,
तो लेट्स होप कि कम ही बड़े बड़े वॉर्ट्स बचे जिन्हें रिमूव करना पड़े आपको फिर उस समय। ये मेन इसका इम्यूनिटी भी बढ़ाने के लिए इसको इंजेक्शन दिए जाएंगे, क्योंकि जो वॉर्ट्स का इशू है वो उन गायों में होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, जैसे डॉग्स में मेन जो नहीं को होता है। अभी हम एक रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं, हमें सोलदा से कॉल आई थी और बताया गया था कि पिछले 2.5 हफ्ते से एक डॉग के वायर ट्रैप बंधी हुई है। लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि वो वायर ट्रैप निकाल दे, लेकिन डॉग फ्रेंडली तो है बट उन्हें टच नहीं करने दे रहा है। आज सिर्फ उसकी वायर ट्रैप निकालने जा रहे हैं, उन्होंने गारंटी दी है कि वो लोग आएगी ट्रीटमेंट खुद मैनेज कर लेंगे। वो यो सामने गेट के पास बैठे हुए थे, आप ना एक डंडा लगाए थे कि बिना डंडे के ले जाते हैं। मैं इस गाय को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा जो ओके ये हेल्दी लग रही है ना पहले से बहुत ज्यादा। स्वेलिंग भी बहुत कम हुई है सर इसके नीचे वाले हिस्से में। जो मुझे लगा वो जो हमारी नई डंकी आई है वो खड़ी है, इसका हमने नाम रखा है डोडो। इसकी स्प्लिंट करा आपने प्लास्टर करा है? स्प्लिंट है सर, सबसे नीचे जॉइंट है वो टूटा हुआ है, इसके लिए स्प्लिंट किया है। हाँ वो खुर के जस्ट ऊपर वाला जॉइंट। हमने सबका सप्लीमेंट शुरू किया था तो बहुत दिन हो गया, अभी तो असर दिख रहा है, सारे हेल्दी लग रहे हैं। पहले से ई बूस्टर मिनटा वो भी शुरू किया था, और साथ ही में हेल्थ वाइज सप्लीमेंट भी शुरू कर दिए थे ना। तो वो आप इक्वाइंस को तो नहीं दे सकते, खच्चर घोड़ों को? या दे सकते हैं सर बिल्कुल। हाँ इनको भी इसकी सर्जरी जब करवानी थी तो ये बहुत वीक था उस टाइम पे। हाँ ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होना था, इसके लिए हमने पहले से ही इसके ब्लड के लिए सिरप्स वगैरह शुरू कर दिए थे ना। इस समय ये अच्छे सारे हेल्दी लग रहे हैं। हाँ देखिए वो अच्छा खासा उसने वेट पुट ऑन किया है, काफी हेल्दी है। एक और जो हमारा रेजिडेंट है सुंदर, जिसको आईज का इश्यूज को दिखता नहीं, उसको कैटरेक्ट है, तो हमारे को लेनोमिक्स करके आई ड्रॉप्स डोनेशन में आई थी, हमने डाली, उससे ये पहली आई ड्रॉप्स हैं जो कि कैटरेक्ट को डिजोल्व कर सकती हैं। तो अब हमें ये 6 और डोनेशन में आ रही हैं। हमें एक कॉल आई थी एक डॉग के रेस्क्यू के लिए, बल्ला नाम की जगह में एक डॉग काफ़ी ज़्यादा गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था, ये करीब 10 फीट गहरा होगा गड्ढा। वहाँ सीढ़ी लगी थी, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि डॉग थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा था, इसलिए लोग उसको निकालने में डर रहे थे, और डॉग की खुद एक आँख खराब होने की वजह से वो निकल नहीं पा रहा था। कोशिश कर रहा है या ऊपर तक चढ़ रहा है वैसे ही ना, मैंने आखिरी देने की कोशिश की पर रही है। हमारी टीम जब वहाँ पहुँची तो आराम से उन्होंने नेट यूज़ करके और पोल एंड रोप यूज़ करके उस डॉग को पकड़ा, डॉग को गड्ढे से बाहर निकाल दिया गया, और साथ ही में उनको ये भी सजेशन दिया गया कि वो ऐसे अगर गड्ढे कर रहे हैं तो आसपास में कुछ सेफ्टी के लिए मेजर्स यूज़ करें। बेनू कहता मास्टर जी के 2 अपडेट्स हैं। हाँ। एक गुड एक बैड जी। गुड दे दो मुझे पहले आप। उसकी दोनों आँखें वापस आ गई हैं। वापस आ गई है का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई ड्रॉप्स डाली जिससे आंखें उगाई, पहले हमें नजर नहीं आ रही थी, अब नजर आना शुरू हो गई है। एंड आई थिंक नजर नहीं आ रही क्योंकि स्वेलिंग उसकी ज्यादा थी। नहीं सर, क्योंकि जब पहले वो आया था उसके आंख में मैगेट्स ही इतने ज्यादा थे, उन्होंने मसल पूरी डैमेज कर रखी थी जिसके वजह से आंख लूज होने की वजह से पीछे हो गई थी। अब क्या हीलिंग अच्छी चल रही है तो मसल वापस से टाइट हो रही है और आंखें अपनी जगह पे वापस आ रही है। अब उसको पूरी तरह दिख रहा है। ओके एंड बैड अपडेट क्या है? उसके बारे में हमें ये पता चला है कि इसको डॉग फाइट्स के लिए यूज़ किया जाता था, और इसको पहले पीठ के तरफ में एक बहुत बड़ा घाव हुआ था डॉग फाइट के चक्कर में, और इसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, इसकी स्किन कंडीशन भी ख़राब थी, और आधे ट्रीटमेंट में क्योंकि बहुत लंबा समय लग चुका था इसको ऐसे ही अबैंडन कर दिया गया। ओके ये भी हमीरपुर से है ना? हाँ सर हमीरपुर से। हमीरपुर से ज्यादा पिटबुल आ रहे हैं? यस अभी लास्ट के 3-4 मंथ्स में अराउंड 6 केसेस हमें पता चले। एक और मुझे बता रहा था अक्षत, बता रहा था कि धर्मशाला में कोई उसको कॉल किया गया था, कोई डॉग है जिसका हाफ फेस खाया गया है, जी, वो जी। ट्रीटमेंट खुद ही कर रहे हैं सर? ये केस भी हमीरपुर का ही है, ये पिटबुल ही है जिसका चेहरा आधा खाया हुआ ही है, मैगेट्स लगे हुए हैं, और लोगों ने मतलब धर्मशाला वाले कुछ रेस्क्यू टीम है जो वहाँ गई और वहाँ पर उसको लेकर आ गए, और ट्रीटमेंट उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बोला है कि फिनाइल डाल के करो। ओके ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अभी जो हमारे पास गाय आई है, मैं फिर उसका नाम बोलूँ, स्पार्कल ट्विंकल ग्लिटर, उसका भी ट्रीटमेंट लोग पेट्रोल या डीजल से कर रहे थे। मैगेट्स का ट्रीटमेंट कभी भी फिनाइल डीजल पेट्रोल इससे नहीं करना चाहिए, इससे पॉइजनिंग हो सकती है, डेथ तक हो सकती है। मैगेट्स ट्रीट करने के लिए आपको केमिस्ट से नेगासून पाउडर मिल जाएगा, मैगासाइट करके लिक्विड आता है, डीमैग स्प्रे आता है, अगर बहुत बड़ा वुंड है तो मेडिकल टर्पेंटाइन ऑयल आता है, ये पेंट वाला तारपीन का तेल नहीं है। तो इस सारी चीज़ों से आप मैगेट वुंड्स जो हैं ट्रीट कर सकते हैं। और मास्टर जी की कैस्ट्रेशन
सर कैस्ट्रेशन हमने कल प्लान की हुई थी, लेकिन जब पहले डायग्नोस किया पूरा बॉडी कि कोई इशू ना आए, तो हमने ये डिसाइड किया है कि कुछ दिन और रुकते हैं, थोड़ा सा और हेल्दी हो जाए, उसके बाद हम इसका कैस्ट्रेशन करेंगे। तो कैस्ट्रेशन हम इसलिए करते हैं कि भाई ये किसी ब्रीडर के हाथ ना लग जाए, हम नहीं चाहते कि भाई और डॉग्स पैदा और डॉग फाइटिंग रिंग का पार्ट बने। इनफैक्ट इवन जो पेट शॉप्स पे डॉग्स बिक रहे हैं उसके पीछे बहुत ज़्यादा क्वालिटी होती है, और इसी चक्कर में हमारे जो देसी डॉग्स हैं अडॉप्ट नहीं होते। खैर कैस्ट्रेशन की बात चल रही है तो मैं आपको ये भी बता दूँ, जब हम फीमेल्स का स्प्रे करते हैं तो 7 महीने से ऊपर करना चाहिए। हाल ही में एक पपी आ गया था यहाँ पे 3-4 महीने का जो स्प्रे कराना चाह रहे थे, तो ये आपको पता होना चाहिए मिनिमम एज 7 मंथ्स है। बहुत सारे वेट्स आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे कि फर्स्ट हीट के बाद आपको स्प्रे कराना चाहिए, ये मुझे नहीं पता कि क्यों अफवाह फैली हुई है। फर्स्ट हीट से पहले अगर फीमेल का स्प्रे हो तो मच बेटर है। नटखट उसका अडॉप्शन हो रहा है? नहीं, वो रिलीज करना पड़ेगा जी। उसका एक एक हफ्ता करके तुमने कितना एक्सटेंड करा? 4 महीने। 4 महीने, एक हफ्ता और एक हफ्ता और। खैर मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ, इसके साथ जो होगा वो बहुत बुरा होगा। इसको अगर रिलीज़ करना पड़े, इसका एक कान नहीं है, बारिश हुई तो कान में पानी जाएगा और इसको इन्फेक्शन हो सकता है, हो ही जाएगा। तो बजाय इसके कि हम किसी पेट शॉप से डॉग खरीदें या किसी ब्रीडर को सपोर्ट करें, क्यों ना हम देसी डॉग्स को अडॉप्ट करें। 9882161677। ये बहुत प्लेफुल है, बहुत एक्सप्रेसिव है, अग्रेसिव नहीं है, लेकिन जितना इंटरेक्शन होना चाहिए उतना है उसके लिए। तो पीसफुल एंड प्लेफुल, पीसफुल एंड प्लेफुल, यस। ठीक है, शांत ना कि शरारती। वो नया पपी जो है उसका क्या स्टोरी है? 2 पपीज आए सर हमारे पास। मुझे इसने एक का बताया, इन्होंने एक हमारे पास 3 दिन पहले रैत से आया था। जो कॉलर थे उन्होंने बताया कि वो एक्सीडेंट उनकी गाड़ी से हुआ। ये पपीज जो है उनके घर के बाहर ही रहते हैं, उनको खाना वाना ध्यान सब रखते हैं। वो क्या है, धूप इतनी है तो वो शाम को गाड़ी के नीचे सो रहे थे। जैसे वो गाड़ी ऑन करते थे नॉर्मली पपीज भाग जाते हैं आवाज से, तो वो हमेशा का रूटीन था। लेकिन ये जो पपी है वो बैठा रह गया और थोड़ा सा गाड़ी ऊपर चढ़ गई, जिसकी वजह से फ्रंट लेग और बैक लेग में इंजरी है, फ्रैक्चर्स हैं और जो उसकी डैमेज हुई है। वो खुद लेकर आए तुरंत, सब कुछ ठीक है। उन्होंने ये भी बोला है कि ट्रीटमेंट करके वो वापस वहाँ पर सेटल करेंगे। उसकी माँ की इस पे की भी बात की है, ठीक हो रहा है, वो रिकवर कर रहा है। रिकवर तो कर रहा है सर, लेकिन कह नहीं सकते, जॉ का है सीन और डैमेज भी काफी है पैर में। एक पैर में तो पिनिंग सर्जरी रिक्वायर्ड है और यहाँ पे ICH भी फैला हुआ है ना, तो मैं थोड़ा श्योरली आपको नहीं बोल सकती। तो जो में उसके तार बंदी है? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है। तो हम लोग जो सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे कैल्शियम के, उससे शायद मैनेज हो जाए, क्योंकि पपी बहुत छोटा है अभी। तो गर्मियों में गाड़ी के नीचे अगर देख के आप करें तो ऐसी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। सर्दियों में बोनट के अंदर देख लें, कई बारी बिल्लियां मैंने देखा है कि छुप के बैठती हैं, भाई रात को आती है गाड़ी गर्म होती है तो गर्म जगह ढूंढते हैं, बिकॉज इन जानवरों के पास हमारी तरह कोई अच्छे घर तो है नहीं हीटिंग कूलिंग के साथ। जो एक और पपी आया है उसके भी कॉलर अच्छे थे। वो बस ड्राइवर थे और वो अपना गाड़ी सर्विसिंग के लिए लेके जा रहे थे, तब उनको ये पपी दिखा। अब उनको वापस अपने जॉब पे जाना था, इस वजह से उन्होंने हमें कॉल किया सबसे पहले मैं, लेकिन उनके पास उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि ड्यूटी पे जाना था। तो उन्होंने जो पास में शॉपकीपर था उससे बात करके उसका कॉन्टैक्ट लेके इसको सेटल किया, इसकी बैंडेजिंग करके गए वो, है ना? यही है इसका नाम रखा है? नहीं सर, ये अभी एक ही दिन हुआ ना इसको आए, अभी तक हमने इसका नाम नहीं रखा। इसका नाम हम बस रख सकते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने शाम को मुझे फिर कॉल किया ना कि पपी कैसा है। मैम मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया उस वक्त पे, तो उनको फिर तब सेटिस्फेक्शन हुआ कि पपी यहाँ आ चुका है करके। ये डॉग के लिए हमें धर्मशाला से कॉल आया था। वहाँ के लोग जिन्होंने इसकी कंडीशन को देखी, इसका जो ये टांग है उसमें एक फ्रैक्चर है, उन्होंने उसका एक्सरे करवा दिया, फ्रैक्चर कंफर्म है, उसका पिनिंग सर्जरी करना इंपॉर्टेंट है, उसकी बोन पूरी तरह से टूट गई है। लकीली कोई ऊपरी घाव नहीं है तो सीधा सर्जरी होगा इसका, उसकी वजह से हमें उसे यहाँ पे लाना पड़ा। अब हम उसे पालमपुर या शाहपुर हॉस्पिटल भेजेंगे उसकी पिनिंग सर्जरी के लिए और उसके बाद उसे फिर से रिलीज कर देंगे। प्रतिभा मैनेज करती है धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू, इनको हम लाना चाहते थे अपनी टीम में, हम इसलिए नहीं लाए कि भाई धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू बराबर चलता रहे। सिंगल हैंडेडली पूरी इतनी बड़ी टीम मैनेज कर रही है और हम लोग अब मिलकर स्टरलाइजेशन कर रहे हैं। तो क्या प्लान है? सर्जरीज एंड पोस्ट ऑप वो करेंगे, कैचिंग और वहां छुड़वाना हमारा। सही, ब्यूटीफुल, क्योंकि मेरे पास टीम शॉर्ट है और हेल्प भी हो जाएगी, एक दूसरे की कोऑपरेशन भी रहेगी। सर्जन हैं आपके पास? हाँ, सर्जन हैं हमारे पास। अगर ये स्मूथली जाता है हम लोग स्पिति में अब स्टरलाइजेशन शुरू कर लेंगे, या तो इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ। और आप लोगों ने वहाँ पे एक बारी कैंप लगाया हुआ है ना? हाँ जी। ठीक है, तो उसमें भी शायद हमें आपकी सपोर्ट चाहिए होगी।
प्रॉमिस करो कैमरे से। जो पपी हमने रैत से रेस्क्यू किया था उसको हमने पालमपुर भेज तो दिया था उसके एक्सरे के लिए, वहाँ पर डॉक्टर्स ने उसकी फ्रंट लेग की स्प्लिंटिंग कर दी क्योंकि उसके फ्रंट लेग में एक माइनर फ्रैक्चर है, और जो पीछे वाला पैर है उसके लिए उन्होंने बताया कि इसको पिनिंग सर्जरी रिक्वायर्ड है क्योंकि पिछले पैर में फ्रैक्चर थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके जॉ के लिए तो अभी फिलहाल उन्होंने कैल्शियम सिरप ही देने को कहा है क्योंकि जॉ बहुत ज़्यादा टूटी हुई नहीं है, लेकिन अभी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, इसे लिक्विड डाइट पे ही रखना है। हमने छतरी से एक बैल रेस्क्यू किया है जिसके सामने वाले पैर में फ्रैक्चर है, अभी कुछ दिन पहले ही शायद उसका एक्सीडेंट हुआ था, इसके बोन गलत तरीके से जुड़ी नहीं है, अभी उसकी स्प्लिंटिंग करी है टेम्परेरी क्योंकि उसके पैर में जो स्वेलिंग है फ्रेश इंजरी होने की वजह से वो पहले थोड़ी सी कम हो जाए, उसको कोई ओपन वुंड नहीं है सिर्फ इंटरनल फ्रैक्चर है, कुछ दिन बाद जब स्वेलिंग कम हो जाएगी तो उसका प्लास्टर कर देंगे और फिर एक से डेढ़ महीने का रेस्ट देके होपफुली उसकी बोन ठीक हो जाएगी। इस डॉग को हमने योल से रेस्क्यू किया था, एक्सीडेंट की वजह से फ्रैक्चर्स थे, हमने जब पालमपुर भेजा एक्सरे के लिए तो वहाँ पता चला कि इसको पिछले पैर में एक जगह डिसलोकेशन है और कुछ माइनर फ्रैक्चर्स भी है, बोन में कुछ क्रैक्स हैं, डॉक्टर्स ने उसके लिए वहीं पर इसकी स्प्लिंटिंग कर दी थी, जो क्रैक्स हैं वो कैल्शियम सिरप भी हम इसे प्रोवाइड करेंगे हीलिंग के लिए और केज रेस्ट जिससे एक से डेढ़ महीने में ये बोन में जो फ्रैक्चर्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। कुछ दिनों से पिंकी की कंडीशन खराब चल रही थी, हमने उसके प्रॉपर ब्लड टेस्ट वगैरह सारे कराए थे, ब्लड टेस्ट में पता चला था कि उसको जॉन्डिस हो रखा है, लेकिन साथ में कुछ और सिम्टम्स भी थे जो कि हमें कंफ्यूज कर रहे थे, इसलिए हमने पूरा डायग्नोसिस किया, जो पुराने हमारे कुछ केसेस थे उनसे रिलेट करने पे हमें समझ में आया कि इसको ICH जो कि इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस जिसे कहते हैं वो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारे पास कुछ दिन पहले एक हेल्दी पपी किसी ने भेज दी थी सर्जरी के लिए, लेकिन क्योंकि उसकी उम्र छोटी थी और वो थोड़ी सी वीक भी थी इस वजह से हमने उसे वापस लौटा दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही हमें पता चला कि उसको हेपेटाइटिस का इशू था और शायद वहीं से ये इशू हमारे जानवरों में फैला था। अभी जो है चुटकी, बारिश, ऑटो और भिंडी को भी इस इन्फेक्शन के इनिशियल सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं, इसलिए हमने सबको आइसोलेट कर दिया है। रही बात पिंकी की, पिंकी को जॉन्डिस भी था और ICH का इशू भी था, इस वजह से उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हमसे नहीं बचा पाए, लेकिन जो बाकी पपीज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट हमने इनिशियल साइंस में ही शुरू कर दी है और अभी उनकी रेगुलर ट्रीटमेंट अच्छे से चल रही है, पहले से उनकी कंडीशन थोड़ी सी बेटर हुई है, अभी भी वो लोग खाना तो ठीक से खा रहे हैं और थोड़े से सुस्त हो गए हैं और आँख के पास थोड़े से इशूज़ आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। एंड सलोनी कह रही थी कि एक और बड़ी अच्छी रेस्क्यू कॉल आई जो आपको रेस्क्यू करना ही नहीं पड़ा, ये बेस्ट रेस्क्यू कॉल्स होती हैं वैसे जहाँ पे हमें रेस्क्यू पे ना जाना पड़े, क्योंकि ये जो पर्सन है वो बहुत हमें रेस्क्यू के लिए कॉल्स करते हैं लेकिन जब नहीं हो पाता तब, तो इस टाइम पे भी ये हुआ ना, वो गाय को था बहुत ज़रूरत लेकिन वो उसको पकड़ पा रहे थे तो उनको लगा कि जब पकड़ ही लिया है तो फिर उसके लिए एक रूम बुक कर दिया और ट्रीटमेंट भी रूम बुक कर दिया, उन्होंने यही बताया मुझे कि उसके लिए एक सेपरेट रूम अलग से उन्होंने करा है कि अरेंजमेंट किसी काव होटल में नहीं मतलब अच्छा। कोई आसपास में लोग काफ़ी अच्छे हैं वहाँ के, तो उन लोगों ने एक अलग से जगह उसके लिए मैनेज की है क्योंकि वो बस स्टैंड वाले एरिया में रहते हैं, वहाँ पे तो काउ शेड होगा नहीं, वहाँ पे जगह मैनेज करके उसकी ट्रीटमेंट शुरू करवा दी है और वो उन्होंने ये भी बोला है कि आगे कोई उनको सजेशन चाहिए होगा तो हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे। कितना मज़ा आ जाए ना कोई अगर होटल हो जहाँ पे भाई गली के कुत्ते, बिल्लियाँ, गाय, खच्चर, घोड़े सब अपना चेक इन कर सकें विदाउट पेमेंट, जहाँ पे इन्हें थोड़ा तो आराम मिले, इनकी तो ज़िंदगी में मतलब सुकून है नहीं क्योंकि लोग तो इन्हें सड़क पे छोड़ना बंद करेंगे नहीं, तो ये आपके और हमारे भरोसे ही हैं। इस बार फाइनली हम लोग जामुन का कंप्यूटर सर्जरी करने वाले हैं, हर बार आधे ट्रीटमेंट में ही हमको उसको रिलीज करना पड़ता था क्योंकि बहुत ज़्यादा तरीके से रोता है, लेकिन इस बार हम उसकी सर्जरी कर रहे हैं क्योंकि इस बार उसका बिहेवियर पहले से काफ़ी बेटर रहा है, अभी ये शांत रहता है दिन भर, हीलिंग के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम इसको अडॉप्ट करवाएं ताकि ये दोबारा से जो कान में मैगेट वुंड लेके आता है वो सिलसिला बंद हो और इसको एक अच्छा घर मिल जाए। आज मैं हमारे हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन साइट पे आई हूँ, हमारा हॉस्पिटल जो है 10 फीट की हाइट पे पहुँच गया है, सारी चुनाई पूरी हो गई है, स्टेज पे हमने हमारा रूफ शुरू कर दिया है एंड हमारी पहली ट्रस है वो आज लग चुकी है। अगर आप हमें डोनेट करना चाहते हैं, हमारे रूफिंग मटेरियल्स किसी भी तरह हेल्प करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।